प्रोटीन्स वेलकम फ्रेंड्स फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हम लोग केमिकल कॉन्टीट्रेट्स ऑफ फूड भोजन के रासायनिक संगठक का एक पार्ट प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं फूड टेक्नोलॉजी के पेज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर फ्री चैप्टर्स की प्ले आप लोग फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रोटीन्स इन्हें यह नाम सन अठारह से अट्ठारह में बर्जीलिया एवं वोल्डर ने दिया किसने बर्जीलिया एवं वोल्डर ने दिया यह नाम इनको यह सजीव शरीर का लगभग चौदह परसेंट तथा मृत और सूखे शरीर का पचहत्तर परसेंट भाग बनाती है अतः स्पष्ट है कि इनका महत्व कैट कैटाबोलिज्म की अपेक्षा एनाबोलिज्म में अधिक होता है इनका महत्व किसमें कैटाबॉलिज्म में कम होता है और एनाबोलिज्म में ज्यादा होता है इनके संयोजन में कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अतिरिक्त लगभग सोलह परसेंट नाइट्रोजन होती है कितने परसेंट सिक्सटीन परसेंट नाइट्रोजन होती है यही नहीं इनमें गंधक फॉस्फोरस आयोडीन तथा लौ आदि के अंश भी प्राय होते हैं ठीक है किस किसके गंधक फॉस्फोरस आयोडीन तथा लौ के अंश इसमें होते हैं पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन्स के अणु सरल अमीनो एसिड्स के अणुओं में टूटते हैं ठीक है अतः प्रोटीन्स अमीनो अम्लों की यौगिक होती है अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयों या मोनोमर्स होते हैं ठीक है प्रकृति में लगभग तीन सौ प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जीव द्रव्य में कई प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं परंतु इनमें से केवल बीस प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के मोनोमर्स होते हैं बीस प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के मोनोमर्स होते हैं प्राय प्रोटीन का अणु बहुत बड़ा और त्रिविम यानी कि थ्री डायमेंशनल गुरु अणु या पॉलीमर होता है किन्हीं दो प्रकार से लेकर बीसों प्रकार के अमीनो अम्ल इसके घटक हो सकते हैं दो प्रकार से लेकर बीसों प्रकार तक अम्ल क्या हो सकते हैं इसके घटक हो सकते हैं यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला के छब्बीस अक्षरों के विभिन्न संयोजनों से बने शब्दों का अनुमान लगाएं तो सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि जीव प्रोटीन्स असंख्य प्रकार की हो सकती है ठीक है जीव प्रोटीन्स कितने प्रकार की हो सकती है असंख्य प्रकार की वैज्ञानिक अब इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि एक ही जीव शरीर की किन्हीं दो प्रकार की कोषाओं की किन्हीं दो जंतु जातियों की प्रोटीन्स ठीक है किस किसकी दो, की की दो, दो सदस्यों की नहीं के उद्विकास, इतिहास को भी जानने का प्रयास किया जा रहा है देखिए ये वो डायग्राम है जो भी मैंने आपको बताया अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप ये उनका संयोजन हो रहा है एक अमीनो अम्ल अणु की आदर्श संरचना दो विभिन्न अमीनो अम्लों ल्यूसिन एवं सेरिन के अणुओं के आर गुटों की विभिन्नता ठीक है यह डायग्राम आप चेक कर लीजिए और अभी तक आपने सब फूड टेक्नोलॉजी के चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए और अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए ठीक है प्रत्येक अमीनो अम्ल अड़ु एक चतुरश फल यानी कि टेट्राहेड्रल संरचना होती है जिसके केंद्र में उपस्थित एक अल्फा कार्बन परमाणु की सहसंयोजकता एक हाइड्रोजन परमाणु एक धनात्मक क्षारीय अमीनो समूह ठीक है एक ऋणात्मक अम्लीय कार्बोक्सिल समूह तथा एक पार्श्व श्रृंखला के कार्बन यौगिक यानी कि साइड चेन कार्बन कंपाउंड से होती है विभिन्न अमीनो अम्लों में केवल आर्गुट में विभिन्नता होती है सारे अमीनो अम्ल रंगहीन तथा जल में घुलनशील होते हैं सारे अमीनो अम्ल क्या होते हैं एक तो कलरलेस होते हैं और होते हैं। अपने धनात्मक क्षार अमीनो तथा ऋणात्मक अम्लीय कार्बोक्सिल गुटों के कारण जल में यह उभयधर्मी आयनों एम्फोटेरिक आयंस और जोटेरा के रूप में रहते हैं जब एक अमीनो अम्ल के अणु कार्बोक्सिल समूह दूसरे के अमीनो समूह से जुड़ता है तो जल का एक अणु निकल जाता है और एक डाइपेप्टाइड यौगिक बन जाता है इसे पैप्टाइड बन बॉन्ड कहते हैं क्या कहते हैं या तो पैप्टाइड बंद या पैप्टाइट बॉन्ड कहते हैं ऐसे ही बंधों द्वारा ये जुड़ जुड़कर विभिन्न अमीनो अम्ल से ट्राईपैप्टाइट्स ऑलिगोपैप्टाइड्स कुछ अमीनो अम्ल अड़ुओं की छोटी श्रृंखलाएं एवं पॉलीपैप्टाइट्स बहुत सी अमीनो अम्ल अड़ुओं की लंबी लंबी श्रृंखलाएं जैसे निर्जलीकरण संगणन संश्लेषण डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन और सिंथेसिस करते हैं फिर ये पैप्टाइट्स जुड़ जुड़कर क्रमशः पैप्टोन्स एवं प्रोटीजिस नामक जटिल पदार्थों का और अंत में क्या बनाते हैं ये प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं ठीक है ये पेप्टाइड्स जोड़ जोड़कर क्या होते हैं पेप्टोन्स और प्रोटीजिस नामक जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं और अंत में क्या होता है प्रोटीन्स का निर्माण हो जाता है प्रोटीन्स का ठीक है अब मैं आपको उसका देखिए दो अमीनो अम्ल के कर, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर डाई पैप्टाइड बनाने का ये डायग्राम है कार्बोक्सिल अमीरो ग्रुप से पेप्टाइड बॉन्ड से ये डाई बन रहा है ये देखिए ये डायग्राम और अभी तक आपने फूड टेक्नोलॉजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक करिए शेयर करिए फॉलो करिए अपने दोस्तों को बताइए अपनी तैयारी जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए तब तक टेक केयर बाय बाय